बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हलीम की, या फिर दलीम कहते हो तो दलीम की, परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। घर के मसाले से ही आप बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम कैसे बनाई जाती है और हलीम में लेस किस चीज़ से आता है वो आज आपको पता चलेगा इस रेसिपी में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं मेजरिंग कप, दो कप है ये, एक है हाफ कप और एक है वन कप। तो मैं इसी से मेजर करके आपको दालों का रेशो बताऊंगी और ग्राम में भी मैं बताती जाऊंगी साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैंने रेड वाली मसूर की दाल ली है आधा कप, यानी कि 100 ग्राम। मूंग की दाल भी ली है आधा कप, 100 ग्राम। और फिर माश की दाल ले ली है, वो भी मैंने ली है आधा कप, यानी कि 100 ग्राम। चावल ले लेंगे, चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो वो भी मैंने 100 ग्राम ही लिया है, यानी कि आधा कप। और अब यहाँ पर एक कप से मेज़र कर रही हूँ, तो चने की दाल मैंने एक कप ली है, यानी कि 200 ग्राम। और ये है जौ का दलिया, छिला हुआ है, छिलका नहीं है इसके साथ, लेकिन ये साबित है, टूटा हुआ नहीं है। तो ये भी मैंने 200 ग्राम, यानी कि एक कप लिया है। और ये गंदम का दलिया है, ये टूटा हुआ है, तो ये मैंने लिया है 200 ग्राम, यानी कि एक कप। तो ये सारी दालें मैंने ले ली हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको ओवरनाइट मैंने भिगो लिया है। ओवरनाइट भिगोने के बाद दालें देखें बिल्कुल नरम सी हो गई हैं। जौ का दलिया भी ना आराम से हाथों से टूट रहा था, तो अब जब हम इसे गलाएंगे ना तो ये दालें जल्दी गल जाएंगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले ली है एक पतीली, बड़ी लीजिएगा। और अब उस पतीली में मैंने 4 से 5 लीटर पानी डाला है। 4 से 5 लीटर पानी डालने के बाद इसको गर्म कर लिया है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो ही इसमें मैं डाल रही हूँ दालें, ताकि ये जल्दी जल्दी से गल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी दालें डाल दी हैं, जौ का दलिया समेत सब डाल दिया है। देखें इसमें उबाल आ चुका है, तो जब इसमें उबाल आ जाए तो ही आपको इसमें ढक्कन लगाना है, लेकिन ढक्कन ख्याल से कि थोड़ा सा खुला रखना है, इस तरह से देखें। और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक दालें गल ना जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाला है मैंने 2 कप ऑयल। और यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है, 6 प्याज ले ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, और उसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ। तो ये दोनों काम आप जो है ना वो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बनाना हो। तो अब यहाँ पर देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो प्याज को मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। निकालने के बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी। चलते हैं हलीम का मसाला बना लेते हैं, जो कि बहुत ही खुशबूदार और ख़ास मसाला है हलीम का। तो यहाँ मैंने आधी जायफल ली है, जावित्री का फूल ले लिया है 2, और अजवाइन ले ली है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, सौंफ लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, और साबित धनिया मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून, साबित काली वाली मिर्चें ली है मैंने 2 टीस्पून, और बादियान का फूल लिया है 4, काली वाली इलायची ले ली है 4, और हरी इलायची मैंने ली है 12 अदद, लौंग ले लिए हैं मैंने यहाँ पर 7 से 8 अदद, और दालचीनी की स्टिक्स ले ली है मैंने 4 इंच की। तो अब इन सब मसालों को हमें क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है इसको। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमें इसको ड्राई रोस्ट, फिर उसके बाद हमें इसे ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर ठंडा कर रही हूँ और फिर इसका फाइन पाउडर बना रही हूँ। तो देखें इस तरीके से इसका पाउडर रेडी हो गया है। और अब चाहिए हमें कुछ पाउडर मसाले, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ले ली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया है 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2 टीस्पून, नमक ले लेंगे 2 टेबलस्पून। नमक अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो बाद में आप टेस्ट करके बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सौंठ, सूखे हुए अदरक का पाउडर होता है, तो वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। और ये देखें ये वो मसाला है जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था, तो इसको भी मैंने एक बोल में डाल लिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिट्रिक एसिड, जिसको टाटरी भी कहते हैं, तो टाटरी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर 1/2 टीस्पून। तो इसको मिक्स कर लिया है, ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर प्याज तो मैंने निकाल ली थी, और अब उसके बाद मैंने इसमें सबसे पहले डाला है मसाला। मसालों को हमें भूनना है, याद रहे जब आप मसाला डालेंगे तो आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि मसाला फौरन जल सकता है।
मसालों को कुछ सेकंड तक भूनना है और फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आपको यहाँ पर मसाला जलने का ख़तरा लग रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन मसालों को भूनना ज़रूरी है। और जब मसाला भून जाए तो फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे और उसको सिंपल ग्राइंड कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं पीस कर रखती हूँ, क्यूब्स बना कर रखती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया है, लेकिन ये 4 टमाटर ही हैं। और अब इसमें वो जो भुना हुआ मसाला था तो वो मसाला हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून। इस मसाले को ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे दही। दही मैंने ली है 3/4 कप। दही को फेंट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर बारी आती है बीफ की। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीफ को वॉश करके रखा है और बीफ के पीसेस ना इस तरीके से साफ़ सुथरे होने चाहिए, और इस तरह से बड़े बड़े पीस अगर आप डालेंगे ना तो इससे ही बनता है रेशा हलीम के अंदर, बड़े पीसेस से। तो बड़े बड़े पीसेस अगर डालेंगे, जितने छोटे पीस होंगे तो रेशेदार हलीम थोड़ी सी कम बनती है। तो रेशेदार हलीम बनाने की एक टिप ये भी है कि गोश्त के पीसेस को ना आप बड़े बड़े रखें, बड़े पीसेस रखें। तो इस तरीके से डालेंगे गोश्त को और फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर गोश्त को अच्छा सा हमें भूनना है, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सी भुनाई हो जाए इसकी। तो इसकी भुनाई कर लेंगे और भुनाई करते करते ही इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसमें से आधी प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे और आधी प्याज हम बचा लेंगे ऊपर से डाल कर खाने के लिए। तो ये प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको हाथ से इस तरीके से मैश कर लेंगे ना तो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें प्याज ये वाली रख दी है मैंने, और बाकी प्याज इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, पानी। पानी मैं गर्म ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बॉयल वाटर ही इसमें यूज़ किया है। तो 1.5 लीटर पानी इसमें जाएगा। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद इसमें लिड लगा देंगे और जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो फिर इसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे और फिर इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो गोश्त तो गलने के लिए रख दिया है, यहाँ चेक कर लेते हैं दालों को। तो दालों को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटे गुजर चुके हैं, 1.5 घंटे हो चुके हैं, दालें गल चुकी हैं, जौ का दलिया भी ज़बरदस्त गल चुका था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ले लिया है हैंड ब्लेंडर। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो फिर आपके पास अगर मदानी हो तो आप उससे भी इसको घोट सकते हैं, वो जो दाल वगैरह जिससे हम घोटते हैं ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर आप इसको पहले ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद जो मिल्क शेक जार होता है आप उसमें भी कर सकते हैं आराम से। तो दालें हमारी शॉर्टकट घुट चुकी हैं, घोटा लग चुका है दालों में। तो अब यहाँ पर गोश्त चेक कर लेते हैं, देखें 1.5 घंटा हुआ है गोश्त को भी पकते हुए, 1.5 घंटे में गोश्त भी क्या बेहतरीन गल चुका है। तो बस गोश्त को ना मैं अलग कर रही हूँ यहाँ पर। गोश्त का रेशा जो है ना वो हम हाथों से ही बनाएंगे, यानी फोक की मदद से बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर चला देंगे गोश्त डालने के बाद तो फिर आपकी रेशेदार हलीम नहीं बन पाएगी, इसीलिए आप इसको हाथों से ही रेशा बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया थोड़ा सा और थोड़ा सा पुदीना और 2-3 हरी मिर्च इसमें डाल दिया है और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और अब यहाँ पर देखें मैं इस तरीके से रेशा बना रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना, रेशेदार हलीम बनती है। एक तो हमने बोटियाँ भी बड़ी बड़ी रखी हैं और इसको हम ब्लेंडर वगैरह नहीं चला रहे हैं, गोश्त को फोक की मदद से रेशा बना रहे हैं। तो जब ये दालों के साथ मिक्स होगा और इसमें थोड़ी सी मदानी हम चलाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा इसका रेशा निकल के आएगा और बहुत ही रेशेदार हलीम बनेगी, आप देखिएगा आगे। तो यहाँ पर देखिए वो जो कोरमा बना हुआ था उसमें मैंने सारी दालें मिक्स कर दी हैं और अब अच्छी तरह से ना इस पे चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे, अच्छी तरह से आपस में कोरमा और दालें मिक्स हो जाएं, इतना कि ये ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा बाद में। तो यहाँ पर देखें वो जो गोश्त का रेशा हमने बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त का रेशा ऐड करने के बाद मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हलीम बनाते हुए देग में जो हलीम बनाई जाती है तो इसी पॉइंट पे घोटा लगाया जाता है कि ये मिक्स बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो अब यहाँ पर वो मसाला ऐड कर रही हूँ जो भुना हुआ मसाला था हमारा। तो उस मसाले को आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना है दाल ऐड करने के बाद, क्योंकि अगर आप कोई भी सूखा मसाला इस वक्त ऐड करेंगे तो कहीं कहीं रह जाएगा, गुठलियाँ सी बन जाएंगी मसाले की, ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको अगर नमक भी ऐड करना हो या कोई गरम मसाला या कोई भी मसाला, अगर आप पीसी हुई मिर्च ऐड कर रहे हैं, अगर आपको मिर्च कम लग रही हो तो उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके ही आप इसमें ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला मिक्स कर दिया है, उसके अंदर मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी सिवाय नमक के। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक ऐड किया था इसमें। और अब इसको देखिए घोटा मैं लगा रही हूँ मदानी की मदद से ही, जिससे हम दाल वगैरह घोटते हैं ना, तो मैंने वही ले लिया है क्योंकि चम्मच से इससे नहीं हो पा रहा था। और अब मैंने यहाँ पर कुछ भी मिक्स नहीं किया है, पानी वगैरह कुछ भी इसमें मैंने मिक्स नहीं किया है, बिल्कुल ठीक था पानी का रेशियो भी हलीम में, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी पानी वगैरह ऐड करने की। तो अब मैं इसको पका रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से बुलबुले से उठ रहे हैं ना इसमें। तो अब इसको क्या करना है, इसको बस आपको घोटा लगाते ही जाना है तकरीबन आधे घंटे तक। तो इसी से ये लेस और रेशा बनकर निकलता है, जितना आप घोटा लगाएंगे ना हलीम में तो उसमें लेस बनना शुरू हो जाती है, रेशा अलग होना शुरू हो जाता है और खूब रेशेदार हलीम बनती है। तो यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ मैं, तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 1/3 कप और होल स्पाइसेस ले लिए हैं, दालचीनी ली है 1 टुकड़ा और इलायची ले ली है हरी वाली 3-4 और लौंग ले ली है 3-4 वो डाल दिया है इसमें, और 1 अदद प्याज कट करके डाल दिया है, प्याज को ब्राउन कर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल लास्ट में 1 टीस्पून ऐड किया है ताकि अच्छा सा ऊपर कलर आ जाए। तो ये देखिए डालकर इसमें मिक्स कर दिया है, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है और कितनी रेशेदार हलीम बनी है, आप ये चेक करें कितना अच्छा इसका रेशा आया है। रेसिपी कार्ड मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया है, तो बस जल्दी से डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये देखें हलीम हमारी डिश आउट हो चुकी है, इसके तमाम लवाजमात मैंने रख लिए थे जैसे कि अदरक है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और ख़ास तौर पर नींबू, और इसमें डालें ब्राउन की हुई प्याज तली हुई, बहुत मज़ेदार लगती है हलीम में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक प्लेट अपने लिए बनाकर, ये चेक करें आप कैसी लगी आप लोगों को आज की ये रेसिपी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपी या कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से, बेल आइकन को क्लिक करें से मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर लेकर आऊँगी एक नई वीडियो इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।